हम हमारे सोलर सिस्टम और यूनिवर्स के बारे में थोड़ा बहुत ही जानते हैं और इससे जुड़ी कई बातें आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई हैं। आखिर हमारा सोलर सिस्टम बना कैसे, ये पहले कैसा था और ये इवॉल्व होकर आज के सोलर सिस्टम में कैसे बदला जिसमें हम रहते हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि इनमें से कई आंसर्स हमें अर्थ के सबसे पास के अनएक्सप्लोर्ड ऑब्जेक्ट मतलब मून पर मिल सकते हैं। और इंडियन रिसर्च स्पेस ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो अपना अगला लूनर मिशन चंद्रयान सेकेंड लॉन्च करने वाला है। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो इंडिया मून के अनएक्सप्लोर्ड एरियाज जैसे साउथ पोल को एक्सप्लोर करने वाली पहली कंट्री बन जाएगी। तो ये जानने के लिए कि चंद्रयान 2 मिशन कब शुरू होगा और इस मिशन से इसरो चांद पर किन चीजों का पता लगाने वाला है, इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, तभी आप चंद्रयान 2 मिशन को पूरी तरह से समझ पाएंगे। जुलाई 2019 में इसरो चंद्रयान 2 को लॉन्च करने वाला है और ये इसरो का अभी तक का सबसे बड़ा मिशन है। इस मिशन के लिए इसरो अपना सबसे पावरफुल रॉकेट यूज करने वाला है, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल Mark 3। ये रॉकेट 43 मीटर ऊंचा और 4 मीटर चौड़ा है और ये रॉकेट इतना पावरफुल है कि 4000 किलोग्राम वेट जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट तक और 8000 किलोग्राम वेट लोअर अर्थ ऑर्बिट तक कैरी कर सकता है। लेकिन ये इस रॉकेट की मून तक पहली ट्रिप होगी। चंद्रयान 2 इसरो का पहला मून मिशन नहीं है। 2008 में इसरो ने चंद्रयान 1 लॉन्च किया था जिसमें एक सिंगल ऑर्बिटर को मून के ऑर्बिट में लॉन्च किया गया था, लेकिन उस छोटे से एयरक्राफ्ट ने चांद पर पानी होने की बात को सच साबित किया था। चंद्रयान 1 मिशन में इसरो को चांद के साउथ पोल और नॉर्थ पोल पर वाटर आइस या हाइड्रोक्साइल मॉलिक्यूल्स मिले थे। चांद पर पानी जैसे रिसोर्सेस का होना फ्यूचर में डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन जैसे मार्स मिशन या चांद पर मून बेस बनाने में मदद कर सकता है। लेकिन मून कॉलोनीज के बारे में सोचने से पहले हमें ये देखना होगा कि वहाँ कौन कौन से रिसोर्सेस हो सकते हैं। इसरो मून एक्सप्लोरेशन की शुरुआत साउथ पोल से करेगा। मून का साउथ पोल स्पेशल है, यहाँ के क्रेटर्स में हमेशा अंधेरा रहता है क्योंकि लाइट मून के इन पार्ट्स तक नहीं पहुँच पाती। इन क्रेटर्स का टेम्परेचर कभी भी -250 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होता और साइंटिस्ट का मानना है कि इनमें कई लाख टन वाटर आइस हो सकती है और इसका पता लगाने के लिए चंद्रयान 2 को चंद्रयान 1 से बहुत ज्यादा एडवांस बनाया गया है। चंद्रयान 1 बस एक ऑर्बिटर था जो चांद के आसपास घूमकर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता था और इसे इसरो तक भेजता था, लेकिन चंद्रयान 2 ऑर्बिटर प्लस लैंड रोवर का कॉम्बिनेशन है। चंद्रयान 2 में 3 अलग अलग टाइप की मशीन्स यूज होंगी। पहला है ऑर्बिटर जो चंद्रयान 1 की तरह ही मून के आसपास घूमकर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। दूसरा एक लैंडर मॉड्यूल है जो चांद के सरफेस तक पहुंचेगा, इसरो ने इसे विक्रम नाम दिया है। और तीसरा एक 6 व्हील्ड रोवर है जिसे इसरो ने प्रज्ञान नाम दिया है। इन तीनों टेक्नोलॉजी का यूज करके इसरो चांद के बारे में कई चीजों का पता लगाने वाला है, जैसे इसकी टोपोग्राफी, सीज्मोग्राफी, मिनरल आइडेंटिफिकेशन, सरफेस केमिकल कंपोजिशन और टेम्परेचर्स। और ये सभी चीजें इसलिए जरूरी हैं क्योंकि इसरो चांद पर अलग अलग टाइप की वाटर आइस ढूंढने वाला है। किसी भी प्लेनेट पर 3 टाइप के वाटर सोर्स होते हैं। पहला एंडोजेनस प्रोसेस से होता है, मतलब ये शुरू से ही प्लेनेट पर नेचुरली होता है। दूसरा एक्सटर्नल सोर्सेज जो बाहर से जैसे एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स के गिरने से आता है। तीसरे हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स होते हैं जिस टाइप का पानी चांद पर मिला था। लेकिन अब पता चला है कि चांद पर इन तीनों फॉर्म्स का वाटर प्रेजेंट है, जो एक बहुत बड़ी डिस्कवरी है। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर में डुअल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक अपर्चर रेडार का यूज हुआ है। ये टेक्नोलॉजी एकदम नई है, इसमें 2 अलग अलग फ्रीक्वेंसी का यूज होगा। इससे ऑर्बिटर को चांद के सरफेस की डेप्थ प्रोफाइल मिल पाएगी और ये ऐसी जगहों का पता लगा पाएगा जहां जमीन के नीचे पानी हो सकता है। चंद्रयान 2 का रोवर प्रज्ञान भी अलग तरीके से चांद पर घूमकर इसके सरफेस को एक्सप्लोर करेगा। प्रज्ञान रोवर में लेजर्स लगी हुई हैं, जिससे ये चांद के ऊपर की लेयर को ब्लास्ट करके जमीन के नीचे भी एक्सप्लोर कर पाएगा। इसमें लेजर शूट करने के लिए अल्फा पार्टिकल एक्सरे और लेजर इंड्यूस्ड स्पेक्ट्रोग्राफी का यूज हुआ है। लेकिन ऑर्बिटर और रोवर की कलेक्ट की गई इन्फॉर्मेशन हम तक वापस कैसे पहुंचेगी? ये काम विक्रम लैंडर करेगा। विक्रम लगातार प्रज्ञान रोवर से कम्युनिकेट करता रहेगा और जो भी इन्फॉर्मेशन रोवर को मिलेगी विक्रम उसे इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क से इसरो को भेज देगा। ऑर्बिटर इंडिपेंडेंटली वर्क करेगा और इसरो को खुद लगातार इन्फॉर्मेशन भेजता रहेगा।
तो कुल मिला के ये एक बहुत ही बड़ा और इम्प्रेसिव इसरो मिशन है। इस स्पेस मिशन से मिलने वाली इन्फॉर्मेशन हमारे सोलर सिस्टम और स्पेस से जुड़ी कई मिस्ट्रीज को सॉल्व कर सकती हैं। लेकिन केवल स्पेस ही नहीं, ये मिशन इसरो के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इस मिशन के सक्सेसफुल होने से इसरो एक रिलायबल इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी बनकर सामने आ सकती है। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और इससे कुछ ना कुछ सीखने के लिए जरूर मिला होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें फैक्ट्स ट्रक।